श्रावण मास में सभी मंदिरों की परिक्रमा निरंतर लगती आई है और भक्त श्रद्धालु बड़े मनोभाव से शहर आगरा में परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ से आगे झूलेलाल चालिया जी की भी एक आयोजन है। वो किस तरह का, मेरे साथ में समय हेमंत भोजवानी जी मौजूद हैं। हेमंत जी, किस तरह का पूरा कार्यक्रम रहता है आपका इस परिक्रमा को देखते हुए, और झूलेलाल जी का जो कार्यक्रम है उसकी क्या जानकारी? ऐसा है, बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज 16 तारीख को जहाँ एक और सैलाब शिव के भक्तों का, सावन का महीना, और आज इतनी बड़ी विशाल परिक्रमा, चारों ओर जो अपने शिवालय है वहाँ से लाखों की तादाद में शिव भक्त भोले की परिक्रमा के लिए निकलते हैं, उसके लिए श्री शिव शक्ति सेवा दल की ओर से न जाने कितने वर्षों से, अनेकों वर्षों से अपने रुई की मंडी चौराहे पर उनके उत्साह के लिए सुंदर झांकी सजाते हैं और उनके लिए भंडारे की व्यवस्था हम करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। और आज संयोग है कि आज भगवान झूलेलाल चालिया, भगवान झूलेलाल वरुण अवतार जो जल देवता हैं, उनका भी आज चालिया महोत्सव चालू हो रहा है। तो उस महोत्सव को लेकर सिंधी समाज में बड़ी हर्ष की लहर है। सिंधी समाज बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाता है। लगातार 40 दिन ये पर्व चलेगा। हमारे समाज के लोग अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों पर इसकी पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं, आरती वगैरह करते हैं। तो उसी कड़ी में जय झूलेलाल मेला आयोजन समिति आगरा महानगर द्वारा आज श्री कृष्ण गौशाला पर कार्यक्रम किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा संयोग है कि कहाँ एक और परिक्रमा का, आज भोले का दिन है तो, और भगवान झूलेलाल जी का है, तो आपके माध्यम से अपने सभी शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि दोनों त्योहारों को बढ़ चढ़ करके मनाएं और उसमें हिस्सा लें, धर्म लाभ लें। बिल्कुल, दोनों ही कार्यक्रम बड़े अद्भुत आगरा में होते हैं और भक्त श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं जो एक भाव रहता है आध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, वो अद्भुत दिखाई देता है। और इसी अद्भुत संकल्प और प्रकल्प को वह पूर्ण निष्ठा के साथ में भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।